बेंजो से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली म्यूजिकल वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलती रहे। यूट्यूब के सभी भाइयों को हैप्पी होली। भगवान करे आपके भी जीवन में ऐसे होली की रंग की तरह आपका जीवन भी रंगीन हो जाए, आप भी जल्दी जल्दी बेंजो सीख जाओ। तो आज अपना लेसन है लेसन 8। इसमें हम सीखेंगे कि राग सुरंजनी पर जीता था जिसके लिए वो वाला सॉन्ग कैसे प्ले करें। तो आइए, पिछले वीडियो में मैंने राग सुरंजनी के बारे में बताया था, बट उसमें क्लियर नहीं हुआ था, आपको भी समझ में नहीं आया तो मुझे पता है। तो इस वीडियो में मैं राग सुरंजनी के बारे में भी आपसे कुछ डिस्कस करूँगा। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो पिछली वीडियो में राग सुरंजनी को क्लियर नहीं समझा पाए, इसलिए इस वीडियो में आपको क्लियर दिख रहा है बेंजो भी। तो राग स्टार्ट करने से पहले बता दूँ आपको, 1 2 3 4 चाबी छोड़ दी, 5वीं चाबी को सा, ये राग के नोट थे ना, राग सुरंजनी के। अब सॉन्ग की तरफ चलते हैं। जीता था जिसके लिए मरता था। सॉन्ग के लिए सबसे पहले चलने के लिए आपको पहले उसका म्यूजिक और स्टार्टिंग कहाँ से सॉन्ग की, एक बार मैं फर्स्ट बजाता हूँ, फिर उसके बाद में आपको स्टेप बाय स्टेप बताता रहूँगा। सॉन्ग स्टार्ट करने के लिए अपने को राग का 3री नंबर की जो चाबी है, जैसे कि सारे गा गा नंबर की चाबी से स्टार्ट होगा ये वाला सॉन्ग। इसका अलाप है इस प्रकार, आपको एक उंगली से बता रहा हूँ, क्लियर सूझ पड़ेगी। समझ रहे हो ना? पहली स्टेप कंप्लीट, ये पहली स्टेप हो गई, फिर दूसरी, बहुत ही इजी है, फिर तीसरी, इसमें कुछ नहीं करना, बस हल्का सा इसको टच करना, फिर डरारा, फिर वापस रिटर्न, वापस वहीं पे आ जाना साँप पे होगा। म्यूजिक एक बार और क्लियर बता रहा हूँ आपको, फिर म्यूजिक स्टार्ट होगा, मेन म्यूजिक जो सॉन्ग का है वो स्टार्ट होगा, फिर बहुत ही इजी इजी, एक 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 उंगली से बता रहा हूँ। यहाँ पे कर्ण स्वर लगाया हल्का सा, मतलब इसको हल्का सा स्पर्श करना साग को, इधर से जाना है दा 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 दा। फिर वापस आना है
लास्ट वाला। बहुत इजी, अपना जो धा है जैसे कि सारे का पा धा सा, तो अपना धा है वहां पे लास्ट वाला म्यूजिक बचेगा इसका। बहुत इजी, जैसे कि फिर अपना सॉन्ग स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद में सॉन्ग स्टार्ट होगा अपने पास से, चौथे नंबर की चाबी है ना अपने सरगम की, बहुत इजी। खाली कुछ एक भी नोट नहीं लगाना इसमें, हल्का सा है दोनों को, एक कर्ण स्वर, हल्के हल्के कर्ण स्वर बहुत अच्छे लगते हैं। अब यहां से राग का फ्लेवर पूरा चेंज हो गया। एक बार फुल म्यूजिक के साथ बता रहा हूँ आपको, धीरे धीरे ही बता रहा हूँ, इतनी जल्दी भी नहीं बताऊंगा। म्यूजिक वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़, यदि पसंद आई तो कमेंट कर देना, और इसका पार्ट टू चाहिए, आगे का म्यूज़िक भी आपको सीखना हो तो प्लीज़ कमेंट करके बता देना कि आपको पार्ट टू भी इस गाने का चाहिए। आपको बहुत ही आराम आराम से बताया आपको, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ जाएगा यह वाला वीडियो में। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक कमेंट शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।